कौन कौन वो नेता है, मीटर लगता है उनको? गाली क्यों देते हैं? मैं तो चाम का मुंह है, कुछ भी बोल दीजिएगा, बोलने में क्या लगता है आपको? आपका सभी पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व से आपका मतलब अच्छा संबंध है, और अभी हिना मैडम का आरजेडी से के बीच में थोड़ा खटास है। कभी अटकलें लगाई जा रही हैं कि हिना मैडम लोजपा से आएंगी तो कभी आरजेडी से आएंगी तो कभी निर्दलीय आएंगी। क्या लगता है हिना मैडम किस पार्टी? शराब की फैक्ट्रियां है, और जब भी उनको जब भी थोड़ा सा उनको लगता है कि अब बाजार में मेरा यू कह दे तो टीआरपी कम हुआ है, दो चार बोतल शराब गटक लेते हैं और उसके बाद लाइव आके गाली देना शुरू कर। राजनीति में हमारी एक ही पार्टी है, हिना मैडम की पार्टी ले और अपना भी करा ले, बिहार के मुख्यमंत्री का भी नार्को टेस्ट करा ले, देख ले कौन दारू पीता है, कौन गाजा पीता है, कौन शराब। चिराग पासवान से मिल लेते हैं तो कभी अमित शाह जी से मिल लेते हैं, मतलब समझ में नहीं आता है कि आखिर ये टुन्ना पांडे सर हमेशा कानवेर से हमारा अच्छा संबंध है, और हमको लगता है कि कानवेर में उसका जन्म नहीं हुआ होगा जो बोला है मीडिया में आपके सामने। हिना मैडम को आरजेडी से दूरी बना देते हैं कि जिसकी अब आप कल्पना नहीं कर सकते, वो लोग दुश्मन नंबर एक है, उनके साथ रह करके उनके आस्तीन के सांप वो लोग है। जो लोग शब्द बोल रहा है था में अगला पिछड़ा बीज बो दिया गया है। हमारे साथ सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट क्या है, हम ब्राह्मण है, हम अगड़े में आ जाएंगे। हम अगर अच्छी भी बात कहेंगे ना तो पिछड़े क्लास के लोग हमारे बात को सुनेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, डायरेक्ट विरोध करना चाहिए। हम तो निंदा करते हैं चाहे कोई लोग हो, जात पर टिप्पणी करने का कोई जगह नहीं है, समाज को बांटकर राजनीति करना, इससे अच्छा कि राजनीति से लोग संन्यास। क्योंकि हिना मैडम और साहबुद्दीन साहब ही आरजेडी बनाए हैं, वो लोग आरजेडी के संस्थापक सदस्य हैं, आरजेडी से उन लोगों को मिलकर रखना चाहिए इन लोगों को। जय हिंद दोस्तों, न्यूज सच तक में आप सभी का स्वागत है, और अभी आपको बता दें हमारे साथ सिवान जिले के पूर्व एमएलसी, दो बार के पूर्व एमएलसी टुन्ना पांडे उपस्थित है, और टुन्ना पांडे जी से हम अभी सिवान में बीते अगले कुछ समय में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, अभी से भी सरगर्मी बढ़ चुकी है, तो इन सारे मुद्दों पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद, प्रणाम आपके दर्शकों को भी, संस्था के सारे दर्शकों को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा अगले कुछ दिनों में 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, लेकिन अभी से भी सिवान में सरगर्मी बढ़ गई है। पता नहीं कभी किसी जाति समुदाय के लोगों को लेकर कभी कुछ बोला जा रहा है, कभी कुछ बोला जा रहा है, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं देखिए, जात पर टिप्पणी करना तो कहीं से जायज नहीं है, इसकी हम तो निंदा करते हैं चाहे कोई लोग हो, जात पर टिप्पणी करने का कोई जगह नहीं है, समाज को बांटकर राजनीति करना, इससे अच्छा कि राजनीति से लोग संन्यास ले लें। कभी कोई कह रहा है कि कुछ लोग अंग्रेजों के जंघा दबाने का काम करते थे तो पलंग सजाने का काम करते थे, तो फिर इधर से उधर से प्रतिक्रिया आती है कि जीभ काट लेंगे तो ये काट लेंगे, मतलब ये प्रतिक्रिया लगातार चलती आ रही है। नहीं बिल्कुल गलत है, देखिए वो जो बोला गया है जिस संदर्भ में, उनको बोलना था जीरादेई सीओ के विषय में, उनको अफसर शाही पर बोलना चाहिए था, लेकिन वो अफसर शाही पर न बोल करके इशारा इशारों में ही उन्होंने कह दिया कि भाई ये लोग क्या क्या करते थे, अंग्रेज इन लोगों को पता नहीं क्या दिए और उसके बदले ये लोग क्या क्या देते थे, ये सब शब्द जो है, और मलिकाना हक के लिए बोले, जिम्मेदार के लिए बोले, जबकि सिवान जिला में हमें कोई बताया नहीं कौन सा जिम्मेदार है, किसके पास मलिकाना हक है, मलिकाना हक तो सरकार के पास है और आप सरकार में है। तो दरअसल उन लोगों का ये तीन ठो शब्द होता है, तकिया कलाम है, सामंतवाद, जमींदारी प्रथा और मलिकाना हक, यही तीन को शब्द वो लोग पढ़ा है, इसके अलावा कोई कौन लो, कौन लो, कौन अब जो लोग शब्द बोल रहा है पिछड़ा खाली करता है, क्या गरीब फॉरवर्ड में गरीब लोग नहीं है क्या? तो पहले का सिवान की जो राजनीति इतनी गंदी हो गई थी कि पहले लोग हिंदू मुस्लिम करके सिवान के राजनीति कर रहा था, अब अभी हिंदू मुस्लिम का इतना बड़ा पेड़ लगा दिया गया है कि हमारे मोहम्मदों भाइयों के साथ हमेशा सिवान में अन्याय हो रहा है, आप ध्यान दे रहे हैं आप, वो उनका कोई प्रत्याशी खड़ा हो रहा है उनको लोग वोट नहीं देता है, कहता है कि नहीं हम हिंदू को वोट देंगे, हिंदू मुस्लिम का बड़ा बड़ा पेड़ लग गया, अब हिंदू मुस्लिम से लोग थक गया, अब बैकवर्ड फॉरवर्ड का लोग दूरी बना रहा, पेड़ लगा रहा, अब दो चार पांच नेता लोग ऐसे हैं भाई अपने विकास के नाम पर वोट मांगे ना, अपने विकास की राजनीति करे ना, अफसर शाही पर बोले ना, अफसर शाही कौन कौन वो नेता है पर बोलने में डर लगता है उनको? नहीं देखिए ये तो पूरा मीडिया में जगजाहिर हो गया, हमसे नाम खुलवाने का उस सबका वैल्यू बढ़ाने का मतलब है कि आपको जनता मानती है और सिवान की जनता आपको सुनना चाहती है, तो जब आपके माध्यम से उन नेताओं का नाम आएगा तो जनता उन लोगों को मतलब बहिष्कार करेगी, इसलिए हम जानना चाह रहे हैं। देखिए जनता में अगला पिछड़ा बीज बो दिया गया है, हमारे साथ सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट क्या है, हम ब्राह्मण हैं, हम अगड़े में आ जाएंगे, हम अगर अच्छी भी बात कहेंगे ना तो पिछड़े क्लास के लोग हमारे बात को सुनेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, डायरेक्ट विरोध करना चालू कर देंगे।
लेकिन के दो चार पांच लोग ऐसे विकलास के लोग हैं, ऐसे शब्द बोल करके बात को गुमराह कर देते हैं, हिना मैडम को आरजेडी से दूरी बना देते हैं कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वो लोग दुश्मन नंबर एक है, उनके साथ रह करके उनके आस्तीन के सांप वो लोग हैं। हिना मैडम के साथ ही रहते हुए हैं और हिना मैडम को बाबही करने के लिए आरजेडी से उनको दूरी बना दे रहे हैं। अरे भाई देखिए, आरजेडी को भी तो हिना मैडम की जरूरत है, शाहबुद्दीन परिवार की आवश्यकता है उनको, आरजेडी को। आरजेडी क्यों चाहेगी हिना मैडम से दूरी बनाने के लिए? लेकिन ऐसे सब लोग बोल दे रहे, क्या उनके शादी में तेजस्वी जी नहीं आए थे क्या? हिना मैडम क्या तेजस्वी जी आए थे? बीजेपी के लोग नहीं, देखिए दूरी जो हो रही ना, बहुत लोग शरीफ हुए थे लेकिन उनके शादी में भी आए थे। हमसे जितने बेर बात होती है एकदम सकारात्मक बात होती है, हम सकारात्मक बात कहते भी हैं और सकारात्मक बात हमें मिलता है। हमें कहीं नहीं लगता है कि तेजस्वी जी शाहबुद्दीन साहब से दूर है, हमें नहीं आ तक लगाए। आप जान जाइए तेजस्वी जी हमेशा शाहबुद्दीन साहब के परिवार के साथ रहे हुए हैं, लेकिन उनके जो दो चार विकलास तरह के, जिनको बात करने का शैली नहीं है, जिनको राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है, जो तेजस्वी जी के दरवाजे पर भी खड़े नहीं होने की उनकी हैसियत नहीं है, अब उन्हें वो बस हिना मैडम के विषय में कुछ लेकर तेजस्वी को उल्टा सीधा बोल देना है। आप तो हिना मैडम के काफी करीबी है, आपको बीच बचाव करना चाहिए या फिर उन लोग मैडम से कह के उन लोगों को ही उनके पास से हटा देना चाहिए? देखिए हम बहुत बीच बचाव करते हैं और हम लोग भरपूर कोशिश किए हैं कि हिना मैडम राज्यसभा जाए, लेकिन आपसे कहे नहीं, उनके दो चार लोग ऐसे बयान दे देते हैं जिस बयान से बात खटाई में पड़ जाती है। जब बात बनते बनते जाती है, उनके दो चार लोग अब बगैर हिना मैडम से पूछे हुए, हिना मैडम थोड़ी कहती है, हिना मैडम से बगैर पूछे हुए दो चार लोग ऐसे आप शब्द बयान दे देते हैं और उधर के लोग जाकर वहां समझा देते हैं। देखिए हिना मैडम की भी राजनीति की विरोधी लोग सिवान में बहुत है, जो चाहते नहीं है कि हिना मैडम का परिवार राजनीति में सक्रिय हो, क्योंकि उन लोगों की रोटी बंद हो जाएगी। हम लोग तो उनके परिवार से जुड़े हुए हैं, हम आज सिवान में एक लौते का बिहार के एक लौते नेता है कि जो हमने प्रतिज्ञा किए हुए कि जब तक हिना मैडम सदन में नहीं जाएगी हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। कोई भी चुनाव नहीं, कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, बोले कि सदन में हम नहीं जाएंगे, या वो चुनाव हमें लड़ने के लिए कहती है तो लड़ेंगे, आपको लड़ाने के लिए कहती है तो आपके साथ है, वो श्यामा बाबू लड़ने के लिए कहते हैं उनके साथ है, कौन प्रतिज्ञा करने वाला ऐसा उनका नेता है जो उनका समर्थक है जो कह दे बात को। हमने दोनों पार्टी से हमको टिकट मिल रहा था एमएलसी का, एनडीए और महागठबंधन से भी, अगर किसी को लालू परिवार से अगर अच्छा संबंध है तो जाकर पता लगा लें। हमको जबरदस्ती बोला बोला कर कहा गया कि आप चुनाव लड़िए, हमारा प्रतिज्ञा था, हम बोले कि जब तक हिना मैडम सदन में नहीं जाएगी सर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। कौन नेता था कुर्बान कर सकता है? वो जो रोड छाप नेता चार उल्टा सीधा टूना बाबा को बोल देगा, चाहता है कि हमारा बढ़ जाए, टीआरपी बढ़ जाए, समझ में नहीं आता है किस तरह बोल दिया वो आदमी। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि अभी लोकसभा का चुनाव होने वाला है, उसके कुछ ही दिनों बाद विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और आपके जो छोटे भाई हैं वो अभी बढ़रिया के विधायक है, और वो कुछ यूं कह दे तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट के वजह से या फिर हिना मैडम के सपोर्ट के वजह से ये विधायक बने हैं, और अभी फिर चुनाव का समय है इसलिए टूना बाबा हिना मैडम का सपोर्ट करे ताकि फिर अगले चुनाव में उनके भाई या फिर उनके परिवार का कोई सदस्य आता है विधानसभा चुनाव में तो फिर चुनाव जीत के 2014 में हमको साहब एमएलसी बनाए, किस लालच में बनाए? 2015 में एमएलसी हमको बनाए, किस लालच में बनाए? उस टाइम तो हमारा विधायक में नहीं थे। दरअसल साहबुद्दीन साहब से परिवार साहब मेरा बहुत पहले से अच्छा संबंध है, लालू जी के परिवार से 1991 से हमारा अच्छा संबंध है, और हमको लगता है कि 91 में उसका जन्म नहीं हुआ होगा जो बोला है मीडिया में आपके सामने, और उनके परिवार से हमारा 1991 से संबंध है, साहबुद्दीन साहब से 1990 से हमारा संबंध है सिवान से। तो साहबुद्दीन साहब ने हमको सिवान में नौकरी दिया, हमको रखा, हम हमेशा साहबुद्दीन, हम बीजेपी में रहते हुए आप देखते होंगे कि हम बोल्डली साहबुद्दीन साहब की तरफ से बोलते हैं। उस टाइम हमारे भाई तो राजनीति में नहीं थे, जब हम साहबुद्दीन साहब के 90 में हमारे भाई राजनीति में तो नहीं थे, हम 1990 से साहबुद्दीन साहब के साथ रहते हैं और बोल्डली उनके लिए बोलते हैं। उनके साथ जो पहले के जितने लोग थे, चाहे ध्रुव जी हुए, चाहे सत्येंद्र तिवारी हुए, जितने लोग सत्येंद्र तिवारी नहीं रहे उन लोगों से पूछिए, ध्रुव जो अभी तो है जिंदा जेल में है, पूछिए कितना अच्छा हमारा संबंध साहबुद्दीन साहब के परिवार से था, साहबुद्दीन साहब से था। तो हम तो बीजेपी में रहते हुए बीजेपी हमें निलंबित भी किया कि साहबुद्दीन साहब के परिवार के साथ आप क्यों इतना लगाव बनाकर रखते हैं। हमें साहबुद्दीन साहब पहलका चुनाव भी जीता है, दूसर का भी जीता है, क्यों जीता है? उनसे हमारा अच्छा संबंध था, बहुत पहले से है, या से संबंध नहीं है, तो राजनीति में जुमे जुमे अब हम लोग 2014 में आए हुए हैं। अच्छा उधर भी चलेंगे, आपके व्यक्तिगत जीवन पे भी थोड़ा सा फोकस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ लोग ये भी कहते हैं कि टूना बाबा के पास शराब की फैक्ट्रियां हैं और जब भी उनको
जब भी थोड़ा सा उनको लगता है कि अब बाजार में मेरा यू कह दे तो टीआरपी कम हुआ है, दो चार बोतल शराब गटक लेते हैं और उसके बाद लाइव आके गाली देना शुरू कर देते हैं और हमारा भी मेडिकल टेस्ट हो जाए। और हम तो एक सिंगल नेता पूरे बिहार के हैं जो नीतीश कुमार को हमेशा रेलने रहते हैं, नीतीश कुमार के विषय में हमेशा बोलते रहते हैं कि आप अपना नार्को टेस्ट कराओ और हमारा भी नार्को टेस्ट करा लो। अगर कोई उस नशा करता है, शराब की फैक्ट्रिया थी है नहीं पहले बात, वो भी नीतीश कुमार की देन थी, सरकार ने टेंडर दिया था, हमारे पास 1/3 लिकर किंग थे पूरे बिहार का, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अब रह गया कि जो आप पीने वाली जो बात बता रहे हैं ना, उसको तो कहते कि नार्को टेस्ट करा ले, हमारा भी करा ले और अपना भी करा ले, बिहार के मुख्यमंत्री का भी नार्को टेस्ट करा ले, देख ले कौन दारू पीता है, कौन गांजा पीता है, कौन शराब पीता है, कहने मुंह में तो चाम का मुंह है, कुछ भी बोल दीजिएगा, बोलने में क्या लगता है आपको। अच्छा, गाली क्यों देते हैं? गाली राजनीति का और सामाजिक जीवन का एक पार्ट है, यानी कि कहीं हम बता रहे ना, प्रणाम करना और गाली देना दोनों सामाजिक जीवन का एक पार्ट है। महात्मा गांधी हम लोग है नहीं, आप हमें एक गाल पर मारे हम दूसरा गाल आपको कर दें, आप हमें तो हम 100 बार कहते हैं मीडिया में, कितना बार बोल चुके हैं कि हम LIC एजेंट है, सामाजिक LIC एजेंट है, आप हमें एक गाली दें और तुरंत 1000 गाली का रिटर्न ले लें और एक बार प्रणाम करें और 1000 बार आशीर्वाद ले लें। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप किस खानदान से बिलोंग करते हैं, आपका क्या नेचर है, आपका गाली वाला LIC लेने वाला नेचर है कि प्रणाम करने वाला है, मुंह तो एक ही है। तो जब आप हमें गाली देने की कोशिश करेंगे तो हम क्यों आपको प्रणाम करने वाली कोशिश करें, जब आप गाली देंगे बाल बाल उसी तरह बढ़ाए ना, आप हम पर लाठी चलाएं, हम आपको चटकन चलाएं तो आपको चोट लगेगा, आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। भाई आप जब लाठी चलाएंगे तो 3 फीट उससे लंबा लाठी हम आपको चलाएंगे ना, तब ना आपको समझ में आएगा कि बहुत बड़ा लंबा लाठी बैठे, तब वो डरेगा। और आप जो बोल रहे हैं ना, गाली सामाजिक जीवन का एक महत्वपूर्ण पार्ट है जो, अच्छा आप गाली क्यों नहीं दे रहे, जब से गाली दिए थे उसके बाद से फिर कहीं गाली सुने क्या? नहीं, तब तो आप गाली नहीं, गाली गाली तो जब जैसे अभी भी है, अभी ये ना समझे कि हम हराई भूल गए हैं, आज वो हमारे पास हराई याद है, अगला अगर हमें कुछ कहेगा तो हम उसके उसे बक्सेंगे नहीं, वो चाहे जमराज हो चाहे धर्मराज हो, उसको हम बक्सेंगे किसी एंगल से नहीं, हम उसमें के नेता नहीं है। आप जैसा करिएगा आपका जवाब 1000 गुना उसे बढ़ाकर हम आपको देंगे, ये हमारी अपनी स्ट्रेटजी है, आप जान जाइए। और सिवान की जनता हमको इसी रूप में देखना चाहती है, हमें अनुकंपा पर सिवान की जनता दो दो बार चुनाव नहीं जिताई और इस बार हम चुनाव लड़े नहीं है, आप जोड़ लीजिए मांग के बावजूद भी, वो शीर्ष नेतृत्व है और आज भी हर दरबार में हर पार्टी में हमारा उतना ही वैल्यू है। हाँ, एक चीज देखने को मिलता है, टुन्ना पांडे जी BJP के MLC रहे हैं, उनके छोटे भाई RJD के MLA रहे हैं, और हर बार कभी देखता है, कभी टुन्ना पांडे जी चिराग पासवान से मिल लेते हैं, तो कभी वो आपको कह दे हमारे जो राजनाथ जी से मिल लेते हैं, तो कभी अमित शाह जी से मिल लेते हैं, मतलब समझ में नहीं आता है कि आखिर ये टुन्ना पांडे जी की स्ट्रेटेजी है क्या। आप एक बात बताए, अगर देखिए अगर टुन्ना पांडे अगर गालीबाज रहता या उसका वैल्यू नहीं रहता तो इतने शीर्ष नेतृत्व के हर किसी के दरबार में उसका उतना ही इज्जत है ब्राह्मणों जैसा, इसको आप कम आंख समझ रहे हैं क्या? एक नेता कहीं और जो आप एग्जाम्पल लिए, चिराग जी का नाम लिया आपने, अब आप जोड़िए कि चिराग जी से हमारा कितना व्यक्तिगत संबंध होगा कि जो व्यक्ति पटना से उतनी गर्मी में चलकर 4-5 घंटा रास्ता चल करके आकर 2.5 घंटा हमारे दरवाजे पर बैठे रहे, कितना अच्छा संबंध होगा आप जोड़िए। अगर हम गालीबाज रहते, हम अव्यवहार कुशल रहते, हम अच्छे नेता नहीं रहते तो क्या जरूरत था, हमारे चिराग जी तो कोई रिश्तेदार है नहीं, कोई हित है नहीं, और हमारे मित्रते के आगे वो कितने झुके कि वहां से आकर यहाँ रहे, अब इसके आप क्या कह सकते हैं, सो पहले बताइए। इसमें तो सिवान की जनता को गौरवान्वित होना चाहिए, आपको और हमें खुश होना चाहिए कि टुन्ना पांडे वो सर्वदलीय नेता है कि किसी भी दरबार में उसका उतना ही इज्जत होता है। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए, आपका सभी पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व से आपका मतलब अच्छा संबंध है, और अभी हिना मैडम का RJD से के बीच में थोड़ा खटास है, कभी अटकलें लगाई जा रही हैं कि हिना मैडम लोजपा से आएंगी तो कभी RJD से आएंगी तो कभी निर्दलीय आएंगी, क्या लगता है हिना मैडम किस पार्टी के सहारे? आप देखिए हम जानते हैं, हमारा लगाव हर करीबी है, हम बता रहे हैं हमारा लगाव हर पार्टी से है, राजद से भी है और लोजपा से भी है, भाजपा से भी है, सब पार्टियों से हमारा बहुत ज्यादा लगाव है और बहुत अच्छा संबंध है। परंतु
सिवान की राजनीति में हमारी एक ही पार्टी है, हीना मैडम की पार्टी। हीना मैडम जिस पार्टी से आए, आरजेडी से आए, हम आरजेडी के साथ रहेंगे हीना मैडम के लिए। लोजपा से आए, लोजपा के साथ रहेंगे। भाजपा से आए, भाजपा से रहेंगे। जदयू से हमारी उतनी कटुता है, लेकिन जदयू के साथ भी अगर आती है तो हम हीना मैडम के लिए जदयू के साथ हैं। हीना मैडम निर्दलीय आती है, हम उनके साथ निर्दलीय है। अब इससे बड़ी हमारे सिवान की पार्टी हीना मैडम। अब जो कहता है, क्या कहता है, उसकी बात हर किसी के जवाब हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन हीना मैडम। अच्छा, एक चीज बता दीजिए, लंबे समय से देखते आ रहे हैं बीजेपी का हमेशा से सिवान में यही नारा रहा है कि साहबुद्दीन साहब का मतलब विरोध करके राजनीति करो। क्या लगता है कि जो बीजेपी लंबे समय से सिर्फ और सिर्फ साहबुद्दीन साहब का विरोध करते आई है, वो साहबुद्दीन साहब की पत्नी को टिकट दे सकती है चुनाव लड़ने के लिए? नहीं नहीं, देखिए भाजपा तो नहीं देगी, लोजपा के लिए लोग चर्चा चला रहा है कि लोजपा देने वाली है, दे सकती है। तो राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, हम इसको कह नहीं सकते क्योंकि टिकट हमारे सिग्नेचर से देना नहीं है। हो सकता है कि उनको मिल जाए, हमें इतना कहना नहीं कि उनको जिससे टिकट मिलेगा हम उनके साथ हैं।